सो गाइज़, यहाँ पे हम लोगों की शाम की आरती हो गई थी और बस, और अभी शाम को जो है पूरे घर में ही हम लोग दिया दिखाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड कर रहे थे यहाँ पे, और ये देखे तुलसी जी में भी दिया कर दिए हैं। और गाइज़, यहाँ पे भैया ऊपर से आए थे, पानी वानी चलाना था, मोटर चलाना आया था, तभी ये लोग बात कर रहे थे खड़े होके, तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। और यहाँ पे देखिए शिवाय उठा था थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि वो शाम को देर में सोया है, तो उठाया है करीब 7:30 बजे। वो भी ज़बरदस्ती मैंने उठाया है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे देखे चिप्स, ये कुरकुरे जो भी है वो ले आए थे, तो वही खा रहा है बैठ के, उठ के सबसे पहले यही खाने लग गया था। तो लेट हो ही गया है आज, तो फिर दूध वगैरह शाम का नहीं पिया था, सीधे खाना ही खाया था। और गाइज, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैंने ये साबूदाना जो है ऐसे ही सूखा क्रश कर लिया है मतलब, और मूंगफली दाना भून के पीस लिया था। और गाइज, यहाँ पे मैंने चटनी बना ली है, मिर्ची टमाटर और नमक डाल के, नींबू डाल के, और खीर बनाई है ड्राई फ्रूट्स की और आलू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग्स विद सिस्टीमा। तो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज, अभी हो रहा है टाइम 8:30, इवनिंग का टाइम है, और मेरे हस्बैंड आ गए थे करीब 7:45। तो आरती वगैरह कर दी है और बस अभी मैं किचन में बना रही हूँ वही वड़े, साबूदाना वड़ा, और बस बना लेती हूँ। और शिवाय बोला है मैं भी यही खाऊंगा। वैसे तो मैं शिवाय के लिए रोटी सब्जी या फिर दाल चावल दिन में खा लेता है, कढ़ी चावल कुछ भी जो खाता है, जो बोलता है वो बना देती हूँ। बट अब आज बोल रहा है कि मैं वही खाऊंगा, साबूदाना वड़ा ही खा लूँगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर नहीं बनाएंगे कुछ उसके लिए अलग से। तो आज मैंने अपना व्लॉग शाम को स्टार्ट किया है, दोपहर में नहीं कर पाई थी, कुछ मतलब लो फील हो रहा था, तो इस वजह से मन नहीं किया कुछ, बहुत ज़्यादा हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर मैं लेट ही थी आज। तो चलिए फिर बना लेते हैं फटाफट से और मिलते हैं। और गाइज, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। गाइज, यहाँ पे ये मैं वही साबूदाना जो मैंने सूखा ही वैसे पैकेट से निकाल के मैंने सीधे पीस लिया है मिक्सी के जार में डाल के, और मूंगफली का दाना मैंने ड्राई ऐसे ही भून लिया था और उसे भी पीस लिया साथ में। तो इस तरह से भी बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट। और एक मैंने फुला के बनाया, वो भी रेसिपी मैंने डाली हुई है पहले भी। तो गाइज, बस यहाँ पे मैंने उसमें 3-4 आलू डाल दिए थे, छोटे छोटे ही थे, वो मिक्स कर दिए हैं, और धनिया मैं कट कर दूंगी, और मिर्च मैंने आधे में डाली थी, थोड़े में थोड़ा निकाल दिया था शिवाय के लिए, क्योंकि शिवाय को भी खाना था। तो बस यहाँ पे मैं वही बना रही थी, और मैं मिक्स करके मैंने कहा फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका था, 9:15 हो रहा था। और जैसे व्रत वगैरह में ऑफिस जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो फिर आते हैं तो फिर भूख लग जाती है, क्योंकि बाहर का कुछ खा नहीं सकते या फिर ऐसे तो कुछ भी खा लेते थे। तो अभी क्या है कि यही खाना है, तो फिर मैंने कहा कि फटाक से मैं आ गई थी किचन में और बना लूँ उसको। और ये देखिए गाइज, हमारा ये मिक्सचर एकदम रेडी हो चुका है, हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है। और अगर ये हमें मतलब ड्राई लग रहा है, क्योंकि अगर हम फुला के बनाते हैं तो उसमें पानी होता है, बट ये तो एकदम सूखा है, तो अगर इसमें ड्राई लग रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम इसमें पानी मिला लेते हैं और बन जाएगा आराम से हमारा। तो गाइज़, ये देखिए हमारे वड़े रेडी हो गए हैं, मैंने फटाफट से बना लिए। और ये बच गया था मिक्सचर, तो मैंने रख दिया एक्स्ट्रा, मैंने इसको मिक्स नहीं किया था, मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने निकाल दिया है, बाद में काम आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है बस, और इसमें मैं फटाफट से तल लूँगी इसे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है आराम से, जो है हमें मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम पे हमें पका लेना है, फटाफट से हमारा बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही बढ़िया क्रंची बन के तैयार होता है। तो बस हम इसे रेडी कर, थैंक यू।
गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरे साबूदाना वड़े बनके रेडी हो चुके हैं एकदम, और अब मैंने निकाल लेती हूँ और बस बस बन गए थे और हम लोगों ने फिर खा भी लिए थे क्योंकि टाइम हो चुका था, 9:15 बज चुका था और भूख भी लग रही थी और शिवाय को भी यही खाना था ऐसे तो, बट उसने ज़्यादा खाया नहीं था तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि अब नेक्स्ट डे से इसको कभी भी मतलब व्रत वाला नहीं खिलाऊँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे वड़े रेडी हो गए थे और मैंने साथ में बनाई थी ड्राई फ्रूट्स की खीर और चटनी एकदम सिंपल सी, तो और बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, ये बहुत ही क्रंची बनता है तो इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो शिवाय खेल रहा था बैठ के अंदर रूम में, टीवी भी चल रही थी और मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे, शिवाय खेल रहा था तो बस वही मैं बोल रही थी कि चलो खाना खा लो चल के, और खाना खाने के नाम पे वैसे ही शिवाय नहीं जाता है जल्दी, नहीं खाता है तो पता ही है सबको, तो बस यहाँ पे मैं बुला रही थी और फिर ज़बरदस्ती मुझे खिलाना पड़ा था क्योंकि नहीं खा रहा था वो ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए हाथ पीछे करके बैठा है, मैं मुँह में डाल दे रही थी तो खा ले रहा था नहीं तो नहीं। और मैं बोल रही थी कि यहाँ पे देखो सब लोग तुम्हें देख रहे हैं बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं बस खाने के लिए मत कहो। तो आप लोग भी इंजॉय करिए और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। तो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में।